सो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे हो गए। तो गाइस, आज मैं कुछ इस तरीके का फोटो एडिट करने वाला हूँ। आप भी कुछ इस तरीके का फोटो एडिट करना चाहते हो तो हमारे वीडियो में बने रहना और वीडियो को मिस मत करना। अगर आप न्यू हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लो और साथ ही इस घंटे को प्रेस करना ताकि मैं जब वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। और हाँ गाइस, थोड़ा वीडियो लंबी होने वाली है क्योंकि कुछ अलग टाइप की फोटो एडिट होने वाली है, तो थोड़ा वीडियो में टाइम देना, आप जरूर सीखोगे। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम लेते हुए लेट्स गो। तो गाइस चलते हैं पिक्चर की तरफ और पिक्चर करते हैं। और तो पिक्चर ऑन करने के बाद गाइस क्या करना है आपको, इस प्लस का आइकन पे क्लिक कर लेनी है। और क्लिक करने के बाद चलते हैं अपनी फाइल में। तो अपनी फाइल में जाने के बाद गाइस, तो हमारा जो फाइल है ये वाली फाइल है, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमारे जो बैकग्राउंड को ओपन कर लेते हैं पिक्चर में। तो हमारा जो बैकग्राउंड है पिक्चर में ओपन हो चुका है गाइस, तो मैं लाइट बढ़ा लेता हूँ। तो गाइस देख सकते हो हमारा बैकग्राउंड आ चुका है। और क्या करना है, चलते हैं अपनी फोटो को यहाँ पे ऐड करते हैं। इस बैकग्राउंड का मैं लिंक दे दूंगा, आप जाकर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो ये ऐड फोटो में जाकर अपने फोटो को ऐड करते हैं। तो ये वाली फोटो को मैं ऐड कर लेता हूँ। तो आप भी कुछ इस तरीके से पोज देकर आप फोटो एडिट कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो हमारा जो फोटो सेट हो चुका है तो यहाँ से कर लेते हैं डन। और डन करने के बाद गाइस क्या करना है आपको, फिर से जाना ऐड फोटो में। और ऐड फोटो में जाने के बाद क्या करना है आपको, ये वाली फ़ोटो फ्रेम ले लेनी है, ठीक है। और कुछ इस प्रकार की आपको घुमाकर लगा देनी है यहाँ पे, थोड़ी छोटा कर देनी है, थोड़ा सा ऐसे करके घुमा देना है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ सेट। थोड़ा मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ओपेसिटी को कम करूँगा, उसके बाद इरेजर पे क्लिक करूँगा और हार्डनेस को यहाँ पे बढ़ा लूँगा और साइज़ को छोटा कर लूँगा। यहाँ से फ़ोटो को जूम करके और यहाँ से मैं कट करूँगा ये फ़ोटो फ्रेम। तो गाइस हमारा जो फोटो फ्रेम में कट हो चुका है तो यहाँ से कर लेते हैं डन। और यहाँ से ओपेसिटी को बढ़ा लेते हैं, तो ओपेसिटी बढ़ा दी गई तो देख सकते हो अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। तो यहाँ से कर लेते हैं डन। और डन करने के बाद क्या करना है गाइस, आपको थोड़ा फेस देख सकते हो तो क्लियर नहीं दिख रहा है, तो आपको जाना है ब्यूटी में, ठीक है। यहाँ ब्यूटी में जाकर और यहाँ अपने फेस को स्मूथ कर लेते हैं, फेस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे और ब्रश पर देख सकते हो सारा सेटिंग ये जाएगा। बस आपको जूम करना है और फोटो यहाँ पे थोड़ा फेस को स्मूथ कर लेनी है। तो गाइस आप देख सकते हो अच्छी तरीके से हमारा जो फेस स्मूथ हो चुका है, तो यहाँ से कर लेते हैं डन। और डन करने के बाद क्या करना है गाइस, आपको यहाँ पे कुछ फायर लगाना, ठीक है। तो फायर लगाने से पहले क्या करना है आपको, इस ब्लैक एंड वाइट करना है तो चलते हैं टूल्स में। टूल्स में जाने के बाद आपको एडजस्ट में जाना है। एडजस्ट में जाने के बाद आपको इस पर सैचुरेशन पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर नीचे डाउन कर देना है 100%। उसके बाद इरेजर पर क्लिक करना है और यहाँ से कर देनी है, हटा देनी है, ठीक है। ये वाली बटन को आपको टिप के हटा देनी है ऐसे। फिर ब्रश पर आपको क्लिक करना है, हार्डनेस को बढ़ा लेनी है और साइज़ को छोटा कर लेनी है। उसके बाद फोटो को जूम करना है, बाकी यहाँ पर प्रिंट कर देनी है। तो गाइस हमारा जो है यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट हो चुका है एक साइड फेस, ठीक है। तो यहाँ से करते हैं डन। और डन करने के बाद कैसे करना है, यहाँ पे हेयर स्टाइल लगाना है, ठीक है। तो चलते हैं अपनी एडपोर्ट में। एडपोर्ट में जाने के बाद क्या करना है, चलते हैं फिर से और अपनी फाइल में आ जानी है। अपनी फाइल में आ जाने के बाद तो गाइस यहाँ पे हेयर स्टाइल मैंने ऐड नहीं किया है, तो मैं चलता हूँ थोड़ा अपने कहाँ पे भाई। तो हमारा जो हेयर स्टाइल है भाई, एक मिनट गाइस मैं अपने वीडियो थोड़ा पॉज करता हूँ, मैं हेयर स्टाइल ढूंढ लेता हूँ। तो गाइस हमारा जो हेयर स्टाइल यहाँ पे आ चुका है, यहाँ से मैं कर लेते हैं डन। तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ सेट। तो गाइस यहाँ पे हेयर स्टाइल सेटअप और थोड़ा ओपेसिटी को कम कर लेंगे और इधर पे क्लिक करेंगे और जितने सब फालतू दिख रहे हैं यहाँ से कर लेंगे इरेज। तो वैसे हमारा जो हेयर स्टाइल अच्छे तरीके से सेट हो चुका है, तो यहाँ से ओपेसिटी को बढ़ाकर देख लेंगे, ठीक है। तो वैसे आप देख सकते हो अच्छे तरीके से यहाँ पे हेयर स्टाइल सेट हो चुका है, तो यहाँ से कर लेते हैं डन। और डन करने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे कुछ फायर लगाना है। तो फायर लगाने से पहले क्या करना है आपको, जाना ड्रा टूल में। और ड्रा टूल में जाने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे कुछ शैडो बनाना है फोटो फ्रेम पे, ठीक है। तो आपको ब्रश पे क्लिक करना है और थोड़ा यहाँ पे ओपेसिटी को आपको कम रखना है, ठीक है। और थोड़ा साइज़ को छोटा कर देना है और सेट कर देनी है। यहाँ से फोटो को जूम करना है और यहाँ पे शैडो बना देनी है। और ये करना है गाइस, यहाँ पे थोड़ा सी आपको क्लिक करनी है, यहाँ पे थोड़ा सी कम कर लेनी है।
तो कुछ इस प्रकार हम काम कर देंगे, थोड़ा सा शैडो बन गया, बन गया यहाँ पे, यहाँ से कर देते हैं डन। और डन करने के बाद क्या करना है, आपको जाना ऐड फोटो में, यहाँ से फायर को ऐड कर लेनी है। तो चलते हैं ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद यहाँ पे फायर है, तो फायर को मैं ले लेता हूँ एक दो, यहाँ दो फायर मैं ऐड करूँगा, ठीक है। और ये फायर को मैं यहाँ पे सेट करूँगा, तो कुछ इस प्रकार की है। तो अपोजिट आपको कर देनी है, ठीक है। उसके क्या करना है, इरेजर पे क्लिक करना है, थोड़ा थोड़ा यहाँ से कट कर लेनी है। तो बस कुछ इस प्रकार के अपोजिट करने, यहाँ से कर लेते हैं डन। और डन करने के बाद तो अपोजिट को बढ़ा देंगे थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, आपको थोड़ा कमी रखना है अपोजिट को। उसका सेकंड पार्ट को यहाँ पे आपको रखनी है, थोड़ा जूम करके छोटा कर लेंगे साइज, और फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ से कर लेंगे सेट। उसके बाद करना है थोड़ा अपोजिट को कम करना है, इरेजर पर क्लिक करना है और यहाँ से कर लेंगे कट। तो गैस आप देख सकते हो यहाँ पर अच्छी तरीके से कट हो चुका है, थोड़ा अपोजिट को बढ़ा लेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर हो चुका है गैस, अच्छे तरीके से यहाँ से कर लेते हैं डन। तो गैस डन करने के बाद क्या करना है गैस, आपको फिर से जाना ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद आपको ये वाली फायर में अपने दे दूंगा, सारा लिंक दे दूंगा गैस, अब जाकर डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पर क्या करना है, ब्रांडिंग मोड में जाना है, यहाँ से कर लेनी स्क्रीन। और स्क्रीन करने के बाद कुछ इस प्रकार की आपको यहाँ पे थोड़ी घुमा देनी है, तो थोड़ा यहाँ पे आपको ऐसे सेट कर देनी है, और थोड़ा क्या करना है, इधर पे क्लिक करना है और यहाँ से थोड़ा कट कर लेनी है, फेस पे थोड़ा थोड़ा रहेगा गैस। तो कुछ इस प्रकार की आपको यहाँ पर रखनी है, यहाँ से कर लेते हैं डन। और डन करने के बाद गैस हमारा अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। तो गैस आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से सेट हुआ है। आप ये करने थोड़ा आइस में लेंस लगाना चाहते हैं ऐड फोटो में, और ऐड फोटो में जाने के बाद अपने फाइल में जानी है। अपने फाइल में जाने के बाद गैस आपकी दो आपको ये लेंस ले लेनी है, और लेंस लेने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ से जाना है ब्रांडिंग मोड में, और यहाँ से सॉरी गैस यहाँ ब्रांडिंग मोड में जाने के बाद स्क्रीन कर लेनी है, और थोड़ा जूम करके इसको सेट कर देनी है। तो यहाँ से मैं सेट कर लेता हूँ गैस, ठीक है। थोड़ा अपोजिट को कम करना है, अच्छे तरीके से सेट कर देनी है यहाँ पे। उसके क्या करना है, इरेजर पे क्लिक करना है, आप फालतू सब कट कर देनी है, अच्छे तरीके से सेट कर देना है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। तो यहाँ से थोड़ा क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे आपको जूम करना है, यहाँ से फोटो को जूम करने के बाद आपको थोड़ा यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा अपोजिट को यहाँ पे कम करनी है। उसके क्या करना है, आपको जाना है एडजस्ट में। एडजस्ट में जाने के बाद इस पर क्लिक करना है यू पे। यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप कलर से कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ से मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से रख देता हूँ ग्रीन, और यहाँ से कर लेते हैं डन। और डन करने के बाद गैस देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है। और ये करना है, यहाँ से करते हैं डन। ये सेकंड पार्ट पता नहीं कहाँ चला गया, दिख नहीं रहा है। यहाँ से कर लेते हैं डन गैस, फिर चलते हैं ऐड फोटो में। और ऐड फोटो में जाने के बाद अपनी फाइल में जानी है, और ये फिर से ले लेनी है, और फिर से कर लेनी है ब्रांडिंग मोड में जाकर स्क्रीन, और यहाँ से सेकंड पार्ट पर लगा देनी है। तो लगा देते हैं गैस इस पर, तो बस मैं लगा देता हूँ यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ देख रहे हैं। अब ये कहना है थोड़ा अपोजिट को कम कर देनी है, सॉरी गैस मेरे थोड़ा स्पेस नहीं है, थोड़ा मैसेज आ रहा है। तो वैसे यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे सेट हो चुका है अच्छी तरीके से। और क्या करना है गाइस, इसको अच्छे तरीके से सेट करने के बाद आपको एडजस्ट में जाना है, फिर से यहाँ पे यू पे क्लिक करना है, आपको यहाँ पे ग्रीन कर देनी है। तो यहाँ से कर लेते हैं डन। और डन करने के बाद क्या करना है गाइस, आपको इसको ऑपोजिट को कम कर देनी है, थोड़ा थोड़ा और कर देनी है ना, बहुत है। तो वैसे एक रखते हैं कम, एक ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। बस आप देख सकते हो कितना बेहतरीन लग रहा है। तो यहाँ से करते हैं, आप क्या कुछ कलर सेटिंग करना है। तो कलर सेटिंग करने के लिए क्या करना है, आपको जाना आपको सीधा अपने ड्रा टूल में। ड्रा टूल में जाने के बाद पहले फोटो को यहाँ पे सेव कर लेते हैं, उसके बाद जाएंगे लाइट रूम की तरफ, वहाँ से कलर सेटिंग करते हैं। यहाँ से कर लेते हैं सेव, और सेव करने के बाद क्या करना, चलते हैं लाइट रूम की तरफ। तो वैसे हमारा जो लाइट रूम ओपन हो चुका है, यहाँ से कर लेते हैं फोटो का, फोटो का ऐड। फोटो का ऐड करने के बाद क्या करना है गाइस, भाई जल्दी खुल जाए, जल्दी खुल जाए, खुल नहीं रहा भाई। तो यहाँ पर फोटो को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ऐड करने के बाद क्या करना है गाइस, यहाँ पे फोटो को ओपन कर लेते हैं। फोटो को ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ कलर सेटिंग अच्छे से कर लेते हैं। तो आपको जाना है लाइट पे क्लिक करना है। लाइट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लाइट को थोड़ा बढ़ा देना है, और थोड़ा साइडों को आपको बढ़ा देनी है, ठीक है। साइडों को बढ़ाने के बाद थोड़ा वाइट बैलेंस आप यहाँ पे कम से कर सकते हो, तो कम वाइट कम कर लेता हूँ, ब्लैक को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद इस पर क्लिक करते हैं, उसके मिक्स पे क्लिक करेंगे। यू को आप यहाँ पे थोड़ा बढ़ा देना, यू को थोड़ा कम कर देना सॉरी, ठीक है। और थोड़ा सैचुरेशन को आपको यहाँ पे बढ़ा देनी है, और उसके लुमियंस पे लुमियंस का आपको यहाँ पे बढ़ा कर रखनी है, थोड़ा सा कम करनी है, ठीक है। उसके क्या करना है, ब्लू टोन पे क्लिक करना है, यू को थोड़ा सा कम कर देनी है, ठीक है। यू को कम करने के बाद आपको थोड़ा सैचुरेशन को आपको बढ़ा देनी है, और लुमियंस लुमियंस आपको बढ़ा देनी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको येलो टोन पे क्लिक करना है, यू को थोड़ा सा आप यहाँ पे बढ़ा कम कर देना है। उसके बाद सैचुरेशन को आपको यहाँ पे बढ़ा देनी है, लुमियंस को आपको यहाँ पे थोड़ा बढ़ा देनी है। उसके बाद ऑरेंज पे क्लिक करना है, ऑरेंज पे क्लिक करने के बाद थोड़ा आपको इसको लुमियंस को आपको बढ़ा देनी है, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ बढ़ा देनी है। उसके क्या करना है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे इसको थोड़ा आपको सैचुरेशन को आपको यहाँ पे
ऐसे करके कम रख देंगे, ठीक है, कुछ इस प्रकार के, ठीक है, यहाँ से कर लेते हैं डन। और डन करने के बाद थोड़ा सा सैचुरेशन को फिर से यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा देंगे, और यहाँ से लुमिन वाइब्रेंस को आपको यहाँ पे कम थोड़ा सी बढ़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद क्लिक करते हैं, थोड़ा लाइट क्लियरिटी को बढ़ा देंगे, क्लियरिटी को बढ़ाने के बाद थोड़ा वाइब्रेंस को कम कर लेनी है। उसके बाद क्या करना है आपको, इस पर क्लिक करना है, साफनेस को बढ़ा लेनी है ताकि आपकी जो फोटो साफ दिखे, और थोड़ा यहाँ फेस स्मूथ करने के लिए थोड़ा सा नॉइस को बढ़ा लेंगे। इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे कलर नॉइस को बढ़ा लेनी है थोड़ी से। तो वैसे यहाँ पे सारा काम खत्म हो चुका है। तो वैसे आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन फोटो लग रही है। तो वैसे आशा करता हूँ कि वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। तो वैसे अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम मत भूलना, और लाइक करना एकदम मत भूलना गाइस। और फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ गाइस। ओके गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर। और तो फोटो को सेव करके बता देते भाई कैसे सेव करते हैं। तो आपको तीन डॉट पर क्लिक करना है, तीन डॉट पर क्लिक करने के बाद सेव टू डिवाइस पर क्लिक करके फोटो कर लेनी है सेव। तो वैसे फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। ओके गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।